हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ कॉलेज गोइंग गर्ल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये आप लोगों को पसंद आए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा मेकअप लुक पसंद आए तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो यहाँ पर ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फेसेस कैंडा हाइड्रा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो फेस है वो हाइड्रेटेड रहे पूरा दिन। इसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पर इनिसफ्री का सनस्क्रीन। इसमें SPF 50 PA++++ है, 4+ है, तो हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। इससे हमारी स्किन सन रेज से प्रोटेक्ट रहेगी और काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है गाइस। अगर आप चाहें तो सिर्फ इस सनस्क्रीन को भी लगा के आप जा सकते हैं, बिल्कुल भी चिपचिपी फील नहीं होती है। नहीं तो काफ़ी सारी सनस्क्रीन जो होती है ना वो हमारी स्किन पे वाइट कास्ट छोड़ देती हैं और हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है वेला ओस्टे का प्राइमर। काफ़ी अच्छा प्राइमर है, अगर आपके फेस पे दाग धब्बे हैं तो उसको थोड़ा सा ब्लर कर देता है प्राइमर। इसके बाद मैंने यूज़ किया कुसिन फाउंडेशन। मैं आप लोगों को 20 CC क्रीम रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उसे लगाने के बाद हमारा मेकअप जो है वो कुछ टाइम बाद ग्रे या फिर आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ना ब्राउनिश सा हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा मेकअप। तो उस टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं विटन वाइल्ड का कुशन फाउंडेशन। इसमें SPF 15 है और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है। इसके लगाने के बाद ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, आप खुद ही एक डिफरेंट देख सकते हो। एक साइड में मेरी फेस कितना अच्छा सा मेरा फेस कितना अच्छा सा ग्लो कर रहा है, एक साइड आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी कवरेज देती है। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँ पैक का स्टूडियो फिनिश कम्पैक्ट। हल्का हल्का सा ही लगाना है, एक्स्ट्रा निकाल देना है, कम्पैक्ट की लेयर ज़्यादा नहीं लगानी हमें, नहीं तो कुछ टाइम बाद ड्राई पैसेज आ जाएंगे। और आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि कॉलेज में कम से कम आपको 4 से 5 घंटे तो लग ही जाने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मेकअप को सिलेक्ट करें, ज़्यादा चीज़ें अपने फेस पे ना लगाएं। तो हल्का हल्का सा आपको करके ऐसे लगाना है ब्रश से। मैं तो मेरे कॉलेज टाइम में इतना भी नहीं करती थी, सिर्फ एक फेयर लवली लगा लेती थी बस हो जाता था। इसके बाद मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये है एले गर्ल का वेलवेट ब्रश। काफ़ी अच्छा ब्लश है और पिंकी सा ग्लो आ जाता है। मेरे पास में ही लखनऊ में जहाँ मैं रहती हूँ पास में ही एक कॉलेज है, मैं वहाँ जब छत पे खड़ी होती हूँ तो देखती हूँ कि लड़कियाँ ना रेड कलर की लिपस्टिक इतना ज़्यादा सज धज के आती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि एक टाइम हम लोगों का था कि फेयर लवली बड़ी मुश्किल से लगा के जाते थे। यहाँ पर मैंने आई शेडो यूज़ किया है, यह विटन वाइल्ड का आई शेडो पैलेट कम्फर्ट जोन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसमें काफ़ी प्यारे प्यारे शेड हैं, तो यहाँ से मैंने ट्रांजिशन शेड लगाया है ताकि पता भी ना चले और हमारी आईज़ लुक थोड़ा सा चेंज भी हो जाए। अब मैं यहाँ पर अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिलेशन का ब्रो पोमेड। आप लोगों को पता ही है कि ब्रो पोमेड काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है, बिल्कुल नेचुरल लुक देता है मेकअप रिलेशन का ब्रो पोमेड। ओ माई गॉड आईज़, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप ना लैक्मे करीना कपूर खान का जो ब्रो डिफाइनर है, अगर आप बिगनर हैं तो आप उसे ले सकते हो। काफ़ी अच्छा वर्क करता है वो, एज अ पेंसिल वर्क नहीं करता है, एज अ ब्रो पोमेड ही उस मतलब वर्क करता है। उसकी जो आईब्रो पेंसिल लगाइज काफ़ी पाउडरी है, वो भी काफ़ी लॉन्ग स्टे करती है, लेकिन मैं यहाँ पर ब्रो पोमेड यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिलेशन का एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से। और ये ब्रश है रियल टेक्निक आई स्टार्टर किट में से। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन कौन सा ब्रश यूज़ करती हूँ तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैंने यहाँ पर मेकअप रिलेशन का लिपस्टिक यूज़ किया है, जो गोल्ड वाली शेड नहीं आती वही है। लेकिन अगर आपकी ये जो लिप है ना वो थोड़ा सा जो है, अगर आपको ग्लॉसी लिपस्टिक नहीं पसंद तो आप इसे मत लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी है। अब मैं यहाँ पर शुगर की लिपस्टिक यूज़ करी, समझ में नॉट लिक्विड लिपस्टिक शेड नंबर 15 ब्लस मी। इसके बाद मैं यहाँ पर प्लम का काजल यूज़ करूँ। मैंने मेरी हेयर स्टाइल बना ली है और हाँ गाइस, कल मैंने मेरे चैनल पर डाला था एक काफ़ी प्यारा सा ससुराल ब्लॉग, आप लोगों ने देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट बॉक्स में, तो देख लीजिएगा। काफ़ी प्यारा ब्लॉग है मेरे ससुराल वाला ब्लॉग, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो तो एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। प्लम का काजल काफ़ी अच्छा होता है, स्मज नहीं करता तो इसलिए मैं इसे लगा ले रही हूँ, लॉन्ग स्टे करता है प्लम का काजल। अब अपनी काजल के नीचे मैं स्मज कर रही हूँ विटन वाइल्ड का आई शेडो पैलेट मेरे से ये वाला शेड, ताकि थोड़ा सा भी स्मज ना हो। वैसे स्मज बिल्कुल भी नहीं होता लेकिन मैं थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट के लिए ऐसा कर रही हूँ, इससे आई लुक काफ़ी चेंज हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं पूरे मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ करूँ पैक का मेकअप प्राइमर प्लस सेटिंग स्प्रे। इसे आप एज अ मेकअप प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। तो एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से इसे अपनी पूरी स्किन में अब्जॉर्ब करा ले रही हूँ। तो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक आज के लिए, बस इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना। बाय बाय गाइज, सी यू सून।